ऐसा कुछ व्यू है मेरे होटल के सामने से। ये देखो मेरा होटल हिल्टन। बट हवा बड़ी ठंडी चल रही है, मेरे को टोपी तो पहननी पड़ेगी। ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई घर लेके जा रहा है, बताओ गजब। हमारे यहाँ हम ही नहीं निकल पाते ठीक से। ये बस पकड़नी है मुझे 15 नंबर की। ये यहाँ का जो मॉल मैं आपको बता रहा था टेस्को, वहाँ आ गया हूँ। यहाँ मैं बाद में आऊँगा अगर टाइम मिला तो। अभी मुझे दूसरी जगह जाना है जो मैंने आपको बताया। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है, आप देख पा रहे होंगे कुछ 159.9 डीजल है और उसके नीचे 169.9 पेट्रोल है। तो यार ये यहाँ के प्राइसेज हैं, यूरोज में है। अब ये 159 यूरोज तो नहीं होगा इसको, ये लोग कुछ 1 यूरोज और समथिंग कुछ स्पेल करते हैं उस तरीके से। देखो यार फाइनली धूप निकल आई है यहाँ पे, इतना सही लग रहा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। और मैंने एक चीज़ पता कर ली है कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए टैक्सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जाएगी और मुझे बस से जाना काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो इवन दो मेरे को ATM से मेरे को निकालने ही पड़ेंगे पैसे, जबकि मुझे ATM में चार्जेस भी लगेंगे, स्टिल मुझे वो सस्ता ही पड़ने वाला है। देखो ये सेल्फ लॉन्ड्री सर्विस है, ये अभी तक सिर्फ TV पे देखा था, आज पहली बार आंखों के आगे देख रहा हूँ। ये बड़े बड़े वो मशीन्स हैं, अब दिख रहा है वो, देखो गोल गोल घुमा रहे हैं कपड़ों को। और यहाँ पे ये आ गया हूँ मैं पेट्रोल पंप के। यहाँ पे ATM ढूंढते ढूंढते, यहाँ तो है नहीं, ये एयर एंड वाटर फ्री में देते हैं। ये बंदा यहाँ कर रहा है, तो चलो देखते हैं शायद यहाँ होगा ATM, मैं यहाँ चलता हूँ अभी। तो गाइस यार फाइनली मुझे ATM मिल ही गया, ये मैं आ चुका हूँ मॉल के अंदर। अब देखते हैं कैसा जाता है पूरा एक्सपीरियंस, कितने चार्जेस लगते हैं मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ अराउंड 330 यूरोज निकालने का। प्रोसेसिंग इंग्लिश, इंग्लिश का अलग ही सिंबल बना हुआ है। पिन पिन क्या है, कहाँ करना है भाई। एंटर योर पिन एंड प्रेस ग्रीन बटन। कैश विड्रॉवल, ये पिन चेंज वगैरह मुझे नहीं लगता है करता भी होगा। अदर अमाउंट, इतना ज़्यादा कहाँ निकालेंगे भाई, पागल समझ रखा है। ओ तेरी, चलो अच्छा भाई 50 यूरोज़ की अमाउंट है, उसके अलावा भी अदर अमाउंट बची है, ओनली 20 यूरोज़। 50, ऐसा करते हैं यार 50 निकाल लेते हैं, एक जगह और भी जाना है, एक ही बार खर्चा पड़ रहा है, करने दो। रिसिप्ट इज़ नॉट अवेलेबल, इंडिया जैसा हाल है हर जगह। कैश ड्रॉवल, ट्रांजैक्शन फी 4 यूरो तो बताओ इन्होंने ही ले ली। चलो एक चीज़ है कि कम से कम करने से पहले बताते तो हैं कि भाई ये क्या होने वाला है, ट्रांजैक्शन रेट भी बता रहे हैं। तो ये मेरे 250 लगने वाले हैं इसमें, ठीक है। प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, कार्ड निकाल लो भाई, पैसे निकाल देना वो मतलब मत करना, कैश विल फॉलो। चलो ठीक है देखते हैं फॉलो होती नहीं होती। प्लीज टेक योर कैश, मतलब कैश लेने के लिए खोले तो सही, बताओ। ये एक नोट निकला है, अभी देख लो आखिरी बारी, क्योंकि अभी मैंने इससे इसको डिनोमिनेट करा लेना है, इतना बड़े नोट की इतना ज़रूरत है और ना क्या बोलते इससे मेरा काम होगा। तो लेट्स इसको पूछता हूँ मैडम को। नाना करते हुए भी मैं मॉल के अंदर ही आ चुका हूँ, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे बस चेंज करने के चक्कर में। तो लेट अस सी अब होता क्या है। यहाँ अभी कोई ऐसी दुकान ढूंढनी है जो मेरे को ये 50 यूरोज यार कम करके दे दे। हर कोई यही बोल रहा है, बोले बहुत बड़ी अमाउंट है हम नहीं करके दे सकते, यानी सही बात है सबके लिए ही बड़ी है यार, हमको मुसीबत में निकालने पड़ गए। चलो यहीं ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दुकानों में घूमने के बाद आधा घंटा ख़राब करने के बाद ये 50 यूरो के चेंज मिले, इतना अच्छा लग रहा है ना, सही में खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा ही। फाइनली किसी ने तो दिया, सभी नहीं मना कर दिया है। 15 नंबर की बस के लिए ये जैसे आ रहा है, ये 1 मिनट बता रहा है, 1 मिनट में आ जाएगी। और अभी आई है 42 वाली, ये 42। चलो अभी हम करेंगे वेट और अपनी बस का करेंगे इंतज़ार, 1 मिनट में आनी तो चाहिए, अब देखते क्या होता है। देखो भाई बन आ भी गई है ब्लू बस, अभी गई, अभी मैंने रिकॉर्डिंग रोका था, ये बिल्कुल टाइम की बिल्कुल वो है यार, पाबंद है। देखो ठीक है, मैं करूँगा चकल्ला, जिसको पूछूंगा भाई मुझे यहाँ जाना है, अब देखो होता क्या है। तो
तो गाइस 3.5 यूरो हमारी लगी है इसकी टिकट, और ये डबल डेकर बस है तो मैं ऊपर ही जाके बैठूंगा, ऊपर के भी मजे लूं, मैं आज तक कभी अपनी लाइफ में बैठा ही नहीं हूँ यार। और अब जितना हमको ट्रांजैक्शन लगा था वो लगा था अराउंड 12 यूरोज हमारे सिर्फ ATM से निकालने के ट्रांजैक्शन लगे, यानी वो हमको फीस ही लग गई सिर्फ निकालने की। तो यार अब चलो वो जो हुआ नुकसान हुआ हुआ, आगे का नहीं होगा देखते हैं। बट इन द होल यहाँ से मुझे जहाँ मुझे जाना है, मुझे वन वे जाने के अराउंड 18-20 यूरोज लग रहे थे, तो उस हिसाब से यार इतने में आना जाना है तो मेरे को ये पहनना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि जितने में मुझे एक टाइम एक तरफ जाने का खर्चा लग रहा था, उतने में मेरा आना जाना भी हो रहा है और मेरे ट्रांजेक्शन चार्जेस भी हो जा रहे हैं। तो यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं भी जाओ वर्ल्ड में सस्ता ही रहता है।